अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो तो हम आपके लिए लेके आए हैं 3 steps टू बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। दिस न्यू सेगमेंट इज कॉल्ड खोज खुद को एंड दिस इज ब्रॉट यू बाय आईपैक्स मीडिया नेटवर्क। हम बचपन से सुनते हुए आए हैं कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, लेकिन अफसोस ये है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल हमेशा आपको जज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाउ यू लुक। सो पहला स्टेप ये है कि आपने अपने कपड़ों का बहुत ख्याल रखना है, उसी के साथ आपने अपनी पर्सनल हाइजीन और अपनी ऑर्डर का भी बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि लोग आपको जानने से पहले देखते हैं। सेकेंड स्टेप ये है कि किस तरह हम बॉडी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं कॉन्फिडेंट दिखने के लिए। नंबर वन, जब भी आप वॉक करते हैं तो आपने स्लाउचिंग नहीं करनी, हमेशा आपने अपने बैक को स्ट्रेट रखना है। नंबर टू, कीप आई कॉन्टैक्ट, जब भी आप किसी से बात करें तो आपने हमेशा अपनी आईज की कॉन्टैक्ट उनकी आईज के साथ रखनी है। नंबर थ्री, जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपने अपनी बॉडी को मूव नहीं करना है लेफ्ट राइट, बल्कि उसको आपने स्ट्रेट उस बंदे की तरफ ही रखना है। एंड नंबर फोर इज, जब भी आप किसी कन्वर्सेशन में हैं तो आपने हाथ को फोल्ड नहीं करना है, क्योंकि ये शो करता है कि आप उस कन्वर्सेशन में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। जो हमारे पास तीसरी स्टेप है, दैट इज़ कैरी हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी विथ यू। जहाँ पे भी आप जाएं, आपने अपने साथ हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी को कैरी करना है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि दिन में 5 से 10 मिनट आप अपने लिए निकालें और एक ऐसी एक्टिविटी करें जिससे आपको अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन मिले। मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं या राइटिंग कर सकते हैं। एक बोनस टिप ये है कि आपने इन चीज़ों को प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस इट्स नॉट पॉसिबल टू बिकम अ सेल्फ कॉन्फिडेंट मैन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड कमेंट, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।